मैम एक चीज बताइए, इन बुकों को कभी मैंने पढ़ते, मैंने तो खुद नहीं पढ़ा लेकिन और किसी को भी पढ़ते नहीं देखा। एक्चुअली ये रेफरेंस बुक होती है, टेक्स्ट बुक वहां रखी होती है, मेरे डिपार्टमेंट की बुक्स है, एजुकेशन की बुक्स है, एजुकेशन में बीए बीएड बीएड इनकी बुक्स है, कमिटीज की बुक्स है, आपकी बीए एमए की बुक्स है, यहाँ पर ये सारी बुक्स यहाँ पर है जी मैम। और एग्रीकल्चर है यहाँ पर जी मैम, मैनेजमेंट है, इंग्लिश लिटरेचर। और यहाँ से लेंगे हम एंट्री। एक्चुअली ये हमारी बिल्डिंग किसी काम की नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आगे वाली है, इसके पीछे वाला जो बी ब्लॉक है वहाँ पे हम लोगों का पढ़ने का एरिया होता है। तो पहले तो मैं ऐसे युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में एक बार आइए, यहाँ के कैंपस को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ की सुविधाओं को देखिए, यहाँ के प्रोफेसर से मिलिए। और आप जब आ कर के पहली बार देखेंगे तो आपका मन पहली ही बार में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, साथ में ऐसे कैंपस में पढ़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो भाई साहब आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज, तो हमने सोचा आपको कॉलेज वाला ब्लॉग दिखाना चाहिए। तो ये हो चुकी है हमारी बाइक रेडी, अब यहाँ से चलते हैं कॉलेज के लिए। एक्चुअली क्या है, कॉलेज हमें इससे नहीं जाना है, जाना है प्राइवेट बसों से, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 बजे और अगर यदि हम 10 बजे के समथिंग निकलते तो हमें मिल जाती कॉलेज की बस, जिससे हम अपने कॉलेज आराम से जाते। तो अभी चलेंगे, इस बाइक को रखेंगे चौबीस गड्ढा में, फिर वहाँ से प्राइवेट बस लेंगे और फिर निकलेंगे अपन आगे कॉलेज के लिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अभी हम पहुँच रहे हैं चौबीस गड्ढा, और चौबीस गड्ढा में करेंगे हम बसों का वेट। एक्चुअली क्या है, प्राइवेट बस से जाना पड़ेगा, टाइम हो गया है, अगर कॉलेज की बसें 10 बजे मिलती हैं तो अभी चलते हैं अपन चौबीस गड्ढा, आने ही वाले हैं, अपन नर्मदा हॉस्पिटल के पास में हैं, तो मिलते हैं आपसे बाइक रखने के बाद। ठीक है, तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमने बाइक अपनी रख दी है यहाँ पे पीछे, अब यहाँ से हमें करना है प्राइवेट बसों का वेट। ठीक है, और उसमें चलते हैं अपन कॉलेज के लिए, अपन खड़े हैं चौबीस गड्ढा पे। तो भाई साहब बाइक हमने रख दी है अपनी चौबीस गड्ढा में, अब यहाँ से करते हैं प्राइवेट बसों का वेट। और यहाँ चौबीस गड्ढा से हमारा कॉलेज पड़ेगा 12 किलोमीटर, तो क्यों धूप में परेशान हो बाइक से, तो इसलिए हमने सोचा इसी से जाएँ और इसी से रोज डेली ऐसे ही रूटीन फॉलो करते हैं। 10 बजे हमें कॉलेज की बस मिल जाती है लेकिन आज लेट हो गए हैं तो प्राइवेट बसों से ही जाना पड़ेगा। तो बस आ गई है, अब चलते हैं उस बस के पास। तो भाई साहब अभी देख सकते हैं अभी बैठ चुके हैं हम बस में, अब यहाँ से बस निकलेगी और एटलीस्ट आधा घंटा का टाइम लेने के बाद पहुँच जाएंगे हम कॉलेज और फिर वहाँ पर उतर के दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। ठीक है, देख सकते हैं बैठ गए, बस का हॉर्न बज गया, बस ही चलने वाली है, तो मिलते हैं आपसे सीधे कॉलेज के बाहर। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं छतरपुर से और अभी यातायात थाने भी क्रॉस हो चुके हैं और चुके हैं हम देरी रोड से गड्ढा, ये देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और फिर अपन मिलते हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी में। तो फाइनली यहाँ से बस से उतर चुके हैं हम और ये यहाँ का मेन रोड है और ये गार्ड भैया बैठे हुए हैं और जी हाँ ये हम मेन घुस गए हैं और ये यहाँ इनकी चेकिंग और पूछताछ करेंगे कि कौन कहाँ काय के लिए जा रहा है। ठीक है, तो अभी निकल आए हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ के इंटीरियर लुक कितना शानदार लग रहा है। तो वो है सामने कॉलेज। दोस्तों अगर प्राइवेट बस से आए हैं तो यहाँ पे उतर गए, अगर ये कॉलेज की बस से आए होते तो सीधे मेन गेट अंदर तक ही उतारते वो लोग कॉलेज वाले, तो उसके लिए हमें 10 बजे चौबीस गड्ढा में खड़ा होना पड़ता, जो आज हम लेट हो गए हैं, आए हुए हैं प्राइवेट बस से। तो अभी यहाँ से निकलना है 3:30-4 के समथिंग, तो आपको वो वाला वो कॉलेज बस वाला भी दिखाएंगे कि उसमें क्या सीन रहता है और उसमें कैसे क्या प्रोसीजर रहता है बच्चों को चेक करने का कि कोई अदर पर्सन तो नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अंदर और यहाँ से हम आ चुके हैं और एक हमारे साथ शिवम भाई मिल चुके हैं, शिवम सिंह, ये दोस्तों लखनऊ से आए हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो शिवम भैया को ऑफिस में छोड़ें, वहाँ से अपनी जांच पड़ताल पूछताछ करेंगे, चलते हैं फिर आगे। और यहाँ से गाइस अनजान मतलब जो गेस्ट आते हैं उनकी गाड़ियों का वर्जित है, केवल स्टाफ वालों का पार्किंग इस साइड करी गई है अभी पहले थी। और यहाँ पे गार्ड भैया लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ की चेकआउट करते हैं कि कोई अनजान पर्सन अंदर तो नहीं आ रहा है। आज धूप बहुत है, तो चलते हैं फिर आगे ऑफिस के पास आगे। और यहाँ खड़ी होती हैं कॉलेज बसें जो आज दिख नहीं रही हैं, शायद बी ब्लॉक के पीछे होंगी। और देख सकते हैं ये बाहर का आउटर साइड कितना शानदार लग रहा है, गार्डन भी बहुत अच्छे हैं, देखिए। तो चलते हैं अंदर।
ठीक है। और यहाँ से हम अंदर आ गए हैं, ये सामने रिसेप्शन है यहाँ पे, और ये यहाँ चांसलर सर का ऑफिस है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, तो अभी चलते हैं, लोगों को ऑफिस के पास छोड़ दें। भाई पानी पीना हो तो यहाँ से पी लो। तो फाइनली यहाँ पे एडमिशन के लिए होता है, देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन का ये ऑफिस है। और अभी चलते हैं अपन आगे, ये सामने फीस काउंटर है, आकांक्षा में हम लोग बैठी हुई हैं, और अभी अपन को चलना है उस वाले साइड। नमस्ते। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं ये रोड डल गया है, पहले एक्चुअली रोड नहीं डला था, तो बरसात के टाइम पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और ये अपन आ चुके हैं बी ब्लॉक में, जो ये था ये ए ब्लॉक था, ठीक है। तो अभी चलते हैं यहाँ से बी ब्लॉक की साइड, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, और ये देख सकते हैं रोड बन गया है, तो कितना शानदार यहाँ से व्यू लग रहा है। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी की साइड, और इस साइड खड़ी हुई हैं दोस्तों कॉलेज की बसें, जो हमने आपको बताया था कि ए ब्लॉक के पीछे होंगी। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे, हमको चलना है फोर्थ फ्लोर में, ठीक है। और ये सामने यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हम आपको फोर्थ फ्लोर के बाद दिखाएंगे अपने HOD से मिलके। तो अभी चलते हैं यहाँ से थर्ड फ्लोर पे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, जब चढ़ रहे हैं यहाँ से फोर्थ फ्लोर में, जाने में थोड़ी थकावट हो जाती है, ठीक है। और फिर अपने HOD सर से भी मिलना है, जो हमारे विजय कुमार चतुर्वेदी सर हैं, ठीक है, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं, ठीक है। अभी एक फ्लोर और चढ़ना है, देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। तो भाई साहब जैसे कि देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने HOD सर के पास, और ये बैठे हुए हैं सारा हमारे जितने क्वालिटी वाले हैं, जो PGMA हम कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम सर लोगों से लेंगे जानकारी यहाँ पे, और एक सर यहाँ भी बैठे हुए हैं, एक सर वहाँ भी खड़े हुए हैं। तो ठीक है, बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको विजय सर को, जो हमारे मैन हैं HOD, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई साहब, ये हैं हमारे मैन HOD सर, डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी जी। हाँ सर बताइए कुछ। सर हमारे PG के एक ऐसे स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, जी सर। तो ये हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है जी, कि आप PG में लगातार कंटिन्यू क्लास लेने वाले स्टूडेंट हैं जी। पढ़ने में भी आपकी जो रुचि है, इसको हमने देखा है, समझा है जी, बहुत अच्छा है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं जी। साथ में आप किस टॉपिक में हमसे पूछना चाहते हैं वो आप सर टॉपिक में हम लोगों को ये बताइए, जैसे आजकल जो भटकाव हो रहा है हम नई उम्र के बच्चों के साथ, उससे कैसे बचें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, थैंक यू सर। देखिए जो भटकाव की बात है, तो एक पहले तो यूथ में भटकाव जैसी चीज़ें जो होती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं एक जब वो निश्चित उम्र में पहुँचता है, तो ये कंडीशन होती है जी। लेकिन इनको नियंत्रित करने में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप सहारा ले सकते हैं जी। कुछ किताबों को, अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं, कुछ महापुरुषों के जीवनी को पढ़ सकते हैं जी। साथ में अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जी। उस दिनचर्या में आप यदि मॉर्निंग में मेडिटेशन जैसी बदलाव पाएंगे, कुछ ही दिनों में आप में अलग बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, सर ने बहुत अच्छी बात करी, हम बगल वाले सर से जानकारी लेंगे। ये हमारी वंदना मैम हैं, और ये उनके हस्बैंड हैं सर, जो प्रयागराज से आए हुए हैं, अभी न्यू ज्वाइनिंग है। सर बताइए आप भी कुछ अपने बारे में, क्या क्या डिग्री हैं आपके पास। जी जी सर, अभी देखिए जो तैयारी का सीक्वेंस है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसलिए कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। तो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि अगर वो जैसे मान लीजिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहले पैटर्न देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी सर। अगर उसके स्टैंडर्ड को आप देखते जा रहे हैं कि मैं अभी क्वेश्चन का बदलाव कि इतना हुआ है, इसका लेवल क्या है, उस लेवल को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, लेवल को देखा जाता है कि स्टैंडर्ड देखने में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लेवल को देखने के बाद अपनी तैयारी आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे सर की वाइफ डॉक्टर वंदना मैम पास, जो भी मैम क्या नाम लिखती हैं पूरा। जी मेरा नाम डॉक्टर वंदना तिवारी। और सर का नाम क्या था सर, आप बताइए अपना नाम। विजय तिवारी, तिवारी तिवारी हैं दोस्तों। तो अब हम मैम से पूछेंगे, मैम आप बताइए। जी मैंने डॉक्टरेट दामोदर विश्वविद्यालय से किया है जी मैम। जी और मैम आपका कैसा फीडबैक था, सबसे फर्स्ट दिन जो मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे यहाँ के बच्चों के बारे में वीकनेस बताई थी, जो आप पहले कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उस हिसाब से यहाँ के हिसाब से बच्चों का कंपैरिजन में आप क्या समझती हैं। कंपैरिजन
वही है, मतलब मेन चीज तो पॉजिटिव रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि देखिए बच्चों में अगर तैयारी अगर प्रिपरेशन करने कर रहे हैं या करने वाले या करने जा रहे हैं जी मैम, तो सबसे जरूरी वो हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो आपको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम के पंचुअल होना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। मैम यहाँ के हिसाब से आप जो पेपर बनाती हैं, जो अभी रिसेंटली आपने सीसीए बनाए हैं, काफी बच्चों की हवा खिसक गई है, तो मतलब इसमें क्या कहेंगे कि आपके पेपर के टाइम पे हम लोग को ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े और रिसेंटली एक हफ्ते बाद ही पेपर है। मतलब सबसे पहले तो आप सीरियस का सहारा ना लें, आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। पर मैम ज्यादातर बच्चे तो सीरीज का सहारा ले लेके 20 पढ़ पढ़ के पेपर दे रहे हैं। सबसे तो जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए और आप एक बार देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के थ्रू आप सीरीज से ही नोट्स बनाएंगे। रेगुलेशन होता है कुछ विश्वविद्यालय के लिए, जैसे प्राइवेट में क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है कि छूट होती है कि इतने परसेंटेज तक आपका अटेंडेंस होना चाहिए, और गवर्नमेंट में क्या है कि आपका 80% तो अटेंडेंस कंपलसरी हो जाता है, तो क्या उसमें तो क्लास तो अनिवार्य होता है। तो प्राइवेट इसलिए बच्चे ज़्यादातर जो है प्राइवेट विषय तरफ उनका ध्यान झुकाव जो है बढ़ जा रहा है। और दूसरा कारण तो ये है कि बच्चों भी अगर प्रेशर अगर कर रहे हैं तो इसका तो यही है कि आप नोट्स बनाइए। बिल्कुल मैम, तो अब हम आते हैं अपने अनुरागी सर के पास, जो अभी रिसेंटली में दोस्तों नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, और ये सर हमारे खास चंदला से हैं, हमारे गांव के पास के। सर आपकी क्या राय है, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे हम नए बच्चों के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, बधाई को तैयारी करें, लेकिन तैयारी के साथ साथ कॉलेज भी आना अनिवार्य है। और आके देखें यहाँ के भी टीचर योग्य हैं, प्रोफेसर भी योग्य हैं, और यहाँ भी देखें यहाँ भी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, साथ में वहाँ भी तैयारी करें, दोनों जगह तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए रुकावट है या यूनिवर्सिटी बात है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ भी अच्छा है और वहाँ भी अच्छा, आना भी चाहिए। बिल्कुल सर, देख सकते हैं गाइस अभी यहाँ पे पेपर चल रहे हैं बच्चों के, बैग वैग रखे हुए हैं, और अभी हमारा हुआ है लंच सर लोगों का, तो हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे घूम लिया जाए। और देख सकते हैं आपको यहाँ का ग्राउंड दिखाएं कितना शानदार लग रहा है, यहाँ पे दोस्तों कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे से, और बिल्डिंग का लुक देखिए कितना शानदार लग रहा है, वाओ। भाई साहब हमारा कॉलेज कैंपस है बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे क्राउड, और हर आपको फ्लोर में एक वाटर ही मिल जाएगा, कूलर सॉरी वाटर कोल्ड जिसे वो पानी गर्म करता है, ब्लू स्टार के लगे हुए हैं, और अभी चांसलर सर ने जगह जगह मटके भी रखवा दिए हैं जिससे ठंडा पानी सबको मिल सके। तो गाइस अभी हम आपको दिखा रहे हैं हमारे कॉलेज की कैंटीन, जहाँ पे आपको कुछ भूख ऊख लगे तो थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये निकल आए हम बी ब्लॉक के पीछे साइड में जहाँ पर कैंटीन है, ठीक है, और ये देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, और ये इस साइड का नज़ारा, ये रोड दोस्तों अभी बन गया है, तो अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको कैंटीन। तो गाइस अभी हम दिखाते हैं आपको कॉलेज की कैंटीन कैंपस जो कैसा है, जो इस साइड है, ठीक है, और यहाँ से हम आ चुके हैं कैंटीन के अंदर, जो है वाटर मैगी समोसा कैंटीन सब कुछ है, और देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, और ये इस साइड का, और ये बैठे हुए हैं भैया, हम इनसे जानकारी लेंगे कैंटीन के बारे में। क्या नाम है सर आपका? रितेश गुप्ता। हाँ तो गुप्ता जी बताइए कुछ अपने कैंटीन के बारे में कि जो मतलब बच्चों को भूख भूख लगती है तो क्या कैसा इसका सिस्टम रहता है? अपनी कैंटीन यहाँ पे जो खोली गई है वो बेसिकली बच्चों के लिए ही है, क्योंकि यदि अपन बात करें तो विश्वविद्यालय थोड़ा सा छतरपुर से भी दूर है, माधवाद भी दूर है, खाने की बहुत विशेष व्यवस्था बच्चों को या जो पेरेंट्स हैं जो गार्जियन यहाँ पर आते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है यहाँ पे आसपास कुछ मिलना। इस कैंटीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेसिकली यहाँ पे जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाहर के जो लोग गेस्ट आते हैं तो उनके लिए कैंटीन हमने बनाई है, ताकि लोगों को हम यहाँ पर जो स्नैक्स आइटम है या जो खाने का थोड़ा बहुत सामान है वो यहाँ पर दे पाए। और प्राइस वाइज में कोई अंतर? देखिए यदि प्राइस की बात है तो जो प्राइस यहाँ पर हमने रखे हुए हैं मेन्यू में, क्योंकि यहाँ पर जो मेन्यू डिज़ाइन किया है उसको हमने बच्चों को ध्यान रख के किया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश की बहुत सारे बच्चे हैं, माता पिता किसान हैं या छोटे फैमिली से आते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उन बच्चों को भी हम उचित रेट पर और कम से कम रेट पर चीज़ों को यहाँ पर उपलब्ध करा पाएँ, तो मेन्यू यहाँ पे। हाँ तो भाई साहब जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे कॉलेज के गार्ड हैं महात्मा के, और अच्छा गार्ड भाई ये बताओ अपना ये बालिश का क्या सिस्टम है, जो पुलिस मतलब पुलिस जैसा रहता है इससे क्या सिस्टम रहता है? बालस है
जो बोलने के लिए पता करने के लिए। कितने गार्ड हैं टोटल इसमें यूनिवर्सिटी में? छः गार्ड हैं। अच्छा, जैसे यहाँ से कोई गतिविधि होती है और आपको आगे वाले कमांड भेजना है तो ये उसके लिए होता है? उसके लिए होता है कि हम उससे बात कर सकते हैं कि लोग। अच्छा, नाम क्या लिखते हैं आप? पप्पू यादव। तो दोस्तों, यादव जी हैं, बहुत अच्छी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं और हम फर्स्ट सेम से इन्हें देख रहे हैं। अच्छा लगा मिल के। आज ये हमें मेन गेट पे नहीं मिले, मिले हमें बी ब्लॉक के पीछे, तो हमने सोचा इनका हमें कैप्चर लेना ही था, हम घर से सोच के आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको लाइब्रेरी में। तो अभी चलते हैं हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ। तो दोस्तों, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये यहाँ की लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये यहाँ के दोस्तों लॉकर हैं जिसमें बच्चे अपना बैग वैग रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो शायद लॉक है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन लाइब्रेरी के अंदर। ये अपन जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, यहाँ का दोस्तों पहला रूल्स ये रहता है कि बच्चे अपना बैग यहाँ पे रखें, ठीक है, और अपनी एंट्री अपने कोर्स के हिसाब से इसमें करें। जैसे कि ये देख सकते हैं, लास्ट एंट्री इसकी है लवली पटेल BPT, ठीक है। और अपनी टाइमिंग, अपने सिग्नेचर ये यहाँ पे करना अनिवार्य है। और देख सकते हैं ये यहाँ का पूरा इंटीरियर लुक। मैम एक चीज़ बताइए, इन बुकों को कभी मैंने तो खुद नहीं पढ़ा, लेकिन और किसी को भी पढ़ते नहीं देखा। एक्चुअली ये रेफरेंस बुक होते हैं, टेक्स्ट बुक वहाँ रखी होती है, या उन्हीं में से हम एक बुक्स को निकाल के यहाँ रेफरेंस में रखते हैं। ये रेफरेंस बुक्स यहाँ आके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट उनको इशू नहीं करवा सकते। अच्छा, ये मतलब यहीं पे पढ़ सकते हैं ओनली? जैसे ये सारी बुक्स वहाँ पे है, कोई नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जी मैम, ये होती है पूरी रेफरेंस एरिया सेक्शन है, और ये है थीसिस एरिया। जी मैम, यहाँ पे जो PhD कर रहे हैं उनकी ये थीसिस रखी हुई है। जी मैम, तो ये थीसिस एरिया है, ये सारा रेफरेंस एरिया कहलाता है। जी मैम, ये पूरा रेफरेंस एरिया है। जी, यहाँ पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स की है, क्योंकि हमारे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। ये सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसमें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की बुक्स है, एजुकेशन की बुक्स है, एजुकेशन में BA BEd BEd इनकी बुक्स है, कॉमेडीज की बुक्स है, आपकी BA MA की बुक्स है यहाँ पर, ये सारी बुक्स यहाँ पर है। जी मैम, और एग्रीकल्चर है यहाँ पर। जी मैम, मैनेजमेंट है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, MBA है, इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च की भी बुक्स है, और ये पूरा रेफरेंस एरिया है। अच्छा मैम, अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था यहाँ पे बुक्स खूब सारी थी, यहाँ की बुक्स कहाँ गई, दिख नहीं रही? डिपार्टमेंट वाइज अरेंज हो गए, यहाँ पैरामेडिकल्स की लाइब्रेरी अलग है तो पैरामेडिकल्स की लाइब्रेरी में चली गई है, नर्सिंग की है तो वो वहाँ चली गई है, फार्मेसी की ऑलरेडी अलग है, और लॉ की अलग है। तो मैम टोटल लाइब्रेरी अपने कॉलेज में कितनी है? चार लाइब्रेरी। जी वाली सबसे बड़ी है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पर यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, यहाँ मैगजीन भी आती है बच्चों के लिए, ये मैगजीन है, यहाँ न्यूज़पेपर है, रिसर्च करने के स्टूडेंट आते हैं। ई लाइब्रेरी है जो लॉ डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में, तो वो ई लाइब्रेरी भी है, यहाँ जर्नल्स भी आते हैं, आपकी मैगजीन भी आती है, यहाँ बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ जानना है तो आप बुक बता सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम से जानकारी लेके। अच्छा मैम, तो भाई साहब अभी हमने दिखाई आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, लॉ डिपार्टमेंट की अलग है, नर्सिंग की अलग है। तो एक्चुअली हो गया है हमारी बस का टाइम कॉलेज की, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा, वो हम किसी अगले ब्लॉग में आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से अपनी बस के पास, ठीक है। अभी हमें मार्कशीट भी लेनी है अपनी, तो ए ब्लॉक में हम आ चुके हैं, तो हम लेने आए यहाँ से मार्कशीट, ठीक है। तो गाइस लग चुकी हैं हमारी बसें और हमें चलना है इन बसों में, ठीक है। तो अभी बैठते हैं इन बसों में, उतरना पड़ेगा हमें अपने चौबे गड्ढा, ठीक है। चलो बैठा जाए चल के, एक ये बस एक ये है, चलो चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस देख सकते हैं हमारी बस के लोको पायलट हैं, सबसे पहली बार इन्हीं के साथ बैठे थे, और इनका दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया है, देख सकते हैं। और ये अपने छठी बमोरी के रहने वाले हैं ये, ठीक है। तो अब ये लगी हमारी आगे बस, और दो ठो बस वहाँ पीछे लगी हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अब ये चलाएंगे एक बस और फिर हम उतरेंगे चौबे तिकट्टा पे, ठीक है। फाइनली गाइस निकल चुके हैं हम अपने कॉलेज से, और ये महाराज बस चला रहे हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ से गेट खुल गया है सामने, ठीक है। और ये यहाँ से बस निकल गई है, और ये देख सकते हैं महाराष्ट्र की बहुत दिक्कत हो रही है चलाने में, लेकिन क्या करें, काम है करना पड़ेगा। और ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से हम निकलते हुए अपने घर के लिए, ठीक है। ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्राइवेट बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों ये कॉलेज की बसों का चार्ज होता है, आई थिंक अब ये कितना है ये मैं प्रॉपर वीडियो में नहीं बता सकता आपको, ठीक है। चलते हैं,
पीछे से ट्रक आ गया है। सीसीटीवी कंट्रोल से पूरी बस लैस है यहाँ पे, और ये इनके लिए फैन भी लगा हुआ है, और ये इंटीरियर लुक यहाँ पे बच्चों का, जो आज बच्चे कम आए हुए हैं क्योंकि पेपर चल रहे हैं, और अभी पूरा क्राउड यहाँ पे है नहीं है। हाँ तो दूसरे नंबर गेट पर रोक देना पंडित जी। तो भाई साहब आ चुके हैं हम अपने एसपी ऑफिस, ठीक है अब यहाँ पे उतर रहे हैं, बैग हमारा पीछे रखा है, रुको बैग निकाल लें दो, एसपी ऑफिस अपने गढ़ में, ठीक है महाराज। ठीक है दोस्तों, तो उतर आए हैं हम यहाँ से, अब चलते हैं हम बिल्कुल गेट के पास अपने, जहाँ पर हमारी बाइक रखी हुई है, ठीक है। तो करते हैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, जाते जाते एक ही बात बोलेंगे, चिंता किस बात की, जय बागेश्वर धाम की। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ करते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, धन्यवाद।